हेलो गाइज, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वीडियो थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, मेरे जितने भी पीसी कंपोनेंट्स है उसको खरीदने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने अपने मैक्सिमम पीसी कंपोनेंट्स को ऑफलाइन एमडी कंप्यूटर से खरीदा था, जो कि लोकेटेड है कोलकाता में। द टोटल कॉस्ट ऑफ माई रिग इज 1,10,000, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बट बिफोर दैट लेट्स रोल आउट द इंट्रो फॉलोड बाय सम कूल शॉट्स ऑफ माई रिग। So this is my CPU. The processor that I am using is AMD Ryzen 7 having 8 cores and 16 threads. Agar aapka priority video editing hai rather than gaming, then you should go for Ryzen build processor rather than Intel because of having extra cores. Lekin agar aap PC high end graphics wale games khelne ke liye le rahe hai, then you can go for Intel. Aur agar aap sirf MS Office use karne wale hai तो अपना फोन यूज कर लेना। द Ryzen प्रोसेसर कम्स विद अ फैन हैविंग सर्कमफेरेंशियल LED लाइट, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। द मदरबोर्ड ब्रांड इज Gigabyte एंड द मॉडल इज Gigabyte Aorus B450 Pro Wi-Fi मॉडल, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वायरलेस nowadays। ये है इसका वायरलेस कनेक्शन वाला अडाप्टर, जिससे आप ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे। आई एम यूजिंग 3 इंटरनल हार्ड डिस्क, so one of the hard disk is 500 GB SSD because it's so fast. The cabinet that I am using is Circle Phoenix. इसका डिजाइन थोड़ा futuristic टाइप का है। इस कैबिनेट का एक एक्स्ट्रा यूजफुल फीचर है कि आप इसमें इंटरनल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं बाहर से without removing the cover of it. A SATA port is given at the top. इसमें 5 पंखे लगे हुए हैं क्योंकि my PC is so hot. अरे यार कोई AC चला दो यार। MSI GTX 1660 Ti का graphics card है और 16 GB का RAM है. And the details of other accessories you can find in the description box below, of which nobody cares. अब आते हैं मेरे monitor पे। जो monitor मैंने लिया है वो है 29-inch LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर विथ एस्पेक्ट रेशियो 21:9। इसके लंबे स्क्रीन होने की वजह से इज वेरी गुड फॉर वीडियो एडिटिंग, वॉचिंग मूवीज एंड डूइंग अदर रेगुलर एक्टिविटीज़। यह है मेरा वेबकैम, जिसे मैं गेमिंग वीडियोज़ बनाने टाइम अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करता हूँ। यस, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, और कैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, यस आई एम ए प्रो प्लेयर। अरे मैं दो जन है, हट यार, शट, दो जन। वेल, लीविंग दैट एंड मूविंग ऑन, इस मॉनिटर के ठीक सामने है मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, विच आई ऑलवेज कीप कनेक्टेड टू माय मॉनिटर, और इस स्पीकर के ठीक नीचे है मेरा सेट टॉप बॉक्स। इस मॉनिटर में दो HDMI केबल पॉइंट है, एक सेट टॉप बॉक्स से लगा हुआ है और दूसरा PC से। तो जब दिल चाहा स्विच कर लिया फ्रॉम PC टू TV और TV से PC, मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, इसको लगा डाला तो फैमिली जिंगल आला। आई एम लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट केबल मैनेजमेंट, सो व्हाटएवर आई हैव डन काम चल जाता है। दिस इज माय नॉर्मल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंस आई डोंट डू मच ऑफ गेमिंग, सो आई हैवंट इन्वेस्टेड मच ऑन कीबोर्ड। अदरवाइज आप बैकलिट कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, फलाना ढिमकाना खरीद सकते हैं। This is my Logitech Hyperion G402 mouse having 8 buttons. It's very smooth. मैंने अपने PC के LED lights का theme color red रखा है because it goes well with my red curtains behind and red tablecloth, which is apparently not present.
और इससे एक डेंजर वाला लुक भी मिलता है। दिस इज माई चेयर वेयर आई सिट एंड डू माई रेगुलर वीडियो एडिटिंग स्टफ एंड प्ले हाई एंड ग्राफिक गेम्स। This is the UPS and this is the extension board of which nobody cares. This is my favorite MI tripod stand जहाँ पे मैं अपना मोबाइल फिक्स करता हूँ और सामने बैठकर वीडियोस बनाता हूँ। Hello guys, how you all doing? I hope that ये है मेरा डायरी जिसमें मैं अपने विचार लिखता हूँ। मेरे ठीक ऊपर है ट्यूबलाइट जो मेरे शक्ल को वीडियोस बनाते समय अपने प्रकाश से उज्जवल कर देता है। I record videos using Realme 2 Pro. This is my blue snowball microphone and for your information, this ball is not made of snow. मेरी माता। And this is the mic stand जो मेरे अंदर के रॉकस्टार को कभी कभी बाहर निकाल लाता है। क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं? तुम ये समझोगे शायद मैं पागल। गाना बंद कर को। So that's all about my complete setup. This is a kind of another world to me. Whenever I do 8 hours, 9 hours, 10 hours of duty, I come back home and leave this world and enjoy thoroughly. पीछे एक बिस्तर भी है, जब मन करे सो जाओ। So that's all for this video guys. I hope that you like this video. See you in the next video. Till then, goodbye. See you and take care. Bye bye.